एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे। इस समय सुबह के 11:30 हो रहा अभी अभी भी गला मेरा सही नहीं है, बट अभी मैं छत पे आ चुकी हूँ। देखिए आज एक लाइन से इतनी ढेर सारी इधर तक खाली नहीं है। आज पूरे कपड़े भी धुल दिए और मौसम ऐसा है काफ़ी ठंडा, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, धूप भी नहीं है। और बैक करके दिखाती हूँ, इधर का साइड आपने देखा, बैक साइड में दिखाती हूँ। ये देखे पूरे कपड़े, सारे कपड़े आज मैंने धूल डाले, बट क्या हो गया, धूप एकदम नहीं है। और धूप नहीं है लेकिन ये है, हवा लग रही है। मशीन में सुखा के डाल दी हूँ इसलिए उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आराम से सूख जाएंगे शाम तक। हवा इतनी अच्छी चल ही रही है, तो हवाएँ इतनी तेज़ चल रही हैं कि सूखने की कोई चिंता की बात ही नहीं है। देखिए सारे करने के बाद अब मैं चल रही हूँ जस्ट अभी, और तो कपड़े लाई हूँ कल शाम, थोड़ा सा दोपहर में धुली थी उस भी सूख गया है। और यहाँ पर तिरंगा फहरा दिए हैं बच्चे ने मेरे, ये क्या कर दिया बच्चा, कुछ डाल दिया इसमें, दागी दागी सा लग गया, कुछ छू दिए हैं सब, वेरी बैड, फिर से धुलना पड़ेगा। ये सूख गया है, ये सूख गया है, कल दोपहर को ही धुल के डाली थी तो ये सूख गया है, ये भी सूख गया होगा, हाँ ये भी सूख गया है। जो सूख गए हैं उसे लेते चलती हूँ और फटाफट अभी फटाफट काम करती हूँ। और नहीं हाँ, ये पौधा ले चलना है मेरे, बस चादर ना गिरे बाबा रे। हाँ चादर तो दबाई हूँ मम्मी, चादर भी एक आई हूँ तो उतारी हूँ। पापा के रूम का ऐसे ही गंदा पड़ा हो गया था, क्योंकि आगे रूम में बच्चे ज़्यादा रहते हैं और टीवी भी सब लोग वहीं बैठ के देखता है इसलिए गंदा आ जाता है। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद और कुछ खा पी लूँ। तो अभी जस्ट काम से, तो काम से प्रॉपर तरीके से अब खाली हो चुकी हूँ, बट हमें थोड़ा सा भी कुछ काम और करना है, लाइव जाना है और कुछ वीडियो भी वहाँ का जो एडिटिंग करना है, कुछ चीज़ें और भी हैं, तो अभी देखते हैं कब तक कैसे। और मैं कुछ सोच रही हूँ, और मैं शॉपिंग जो की थी उसका कुछ आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना था, बट उसी का मुझे कलर नहीं समझ में आ रहा, तो मैं देखती हूँ अगर पसंद आता तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी दूसरा। तब तक के लिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस इस समय दोपहर के बज रहे हैं 3 और मैं जस्ट अभी आ रही हूँ मार्केट से, तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ वो चीज़ें शेयर कर दूँ। मैं सुबह में आप लोग से बातें कर रही थी ना, मुझे कुछ जाना काम से, तो हाँ उस काम को मैंने फाइनली पूरा कर लिया। जैसे कोई चीज़ मन में डाउट होता है ना मेरे, तो जब तक मैं उस काम को कर नहीं लेती हूँ जैसे लगता है कि नहीं मेरा कुछ भूला हुआ है, कुछ छूटा हुआ लगता रहता है। तो मैं लेके आई थी जो पहले, इसके पहले एक जैकेट जो कि मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे पहले तो ठीक लग रहा था, फिर लगा ग्रे कलर अजीब तरीके से लग रहा था, तो उतना पसंद नहीं आ रहा था। और मम्मी जी चिल्लाने लगी कि उस समय रहे तो पसंद था, इस समय नहीं पसंद है, बस यही मन में आ गया। फिर बोली नहीं, जब चेंज करना है तो कर ही देती हूँ, पसंद नहीं आ रहा है तो क्या मैं बोलूँ उस चीज़ को। तो मैंने उस जैकेट को लेके गया, वो थोड़ा शॉर्ट कोट था आपका, उसके साथ भी मैं यहाँ पे लगा दूँगी उसका भी फ़ोटो जो पहले मैं ली थी, और वो मुझे उतना जच नहीं रहा था पता नहीं क्यों, तो फिर मैंने इसे चेंज कर दिया, फिर दूसरा मैंने लेके आ गई। मम्मी जी हंस रही थी उसी भी एकदम, तो मैंने क्या होता है ना, एक ही चीज़ में दो बार न्यू हो गया। मुझे खुद हंसी आ रही थी कि जब मैं चेंज करने जा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहनती थी बहुत भारी टाइप में अजीब सा फीलिंग होता था, तो मैं सोची चलो अच्छा चेंज करने गई और मुझे कुछ और भी लेना था। तो अभी जस्ट मैं, और आज मैं रिटर्न की हूँ उसे सातवें दिन शुक्रवार है, हाँ शुक्रवार को ली थी, और शुक्रवार को आठवें दिन मैं आज उसे वापस कर दी, रिटर्न कर दी उसे। और होता है एक ही हफ्ते का, बट ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं,
कोई ऐसा नहीं है कि नहीं फाउंडेशन था, तो मैंने जब गई तो वहाँ पे हो गया। मुझे मन में यही आ रहा था, ये बोल रहे थे चेंज नहीं होगा, मम्मी बोल रही थी चेंज नहीं होगा, मैं बोली जाने में क्या होता है, जाके देखते हैं, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं जस्ट वही गई थी और चेंज करके आ गई। तो पहले वाला क्लिप मैं लगा दूँगी इधर साइड में, आप लोग को दिखा दूँगी कि वो कैसा था, और दूसरा वाला जो है कि जो लेके आई हूँ वो थोड़ा लॉन्ग है, कलर सेम मिल था जुलता है, बस थोड़ा सा ये ब्लू टाइप में, उस टाइप में आसमानी ब्लू में है, वो ग्रे में था। तो मैं दोनों को लगा दूँगी, कौन सी ली हूँ कौन सा वापस कर दी हूँ और क्या ली हूँ, चलिए मैं दिखाती हूँ। और अच्छा लग रहा था तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को अपनी शॉपिंग, क्योंकि मुझे उसकी शॉपिंग दिखाना भी था, रिक्वेस्ट भी था कि मैम आप ज़रूर दिखाइएगा क्या ली थी। हाँ, एक काला स्वेटर ली थी जिसको मैंने नहीं दिखाया, तो कोई बात नहीं, वो पहन ली हूँ, रखी हूँ, उसको भी दिखा दूँगी, ये भी रखी हूँ, तो वो ली थी। बट ये जो मेन है कोट है उसे मैं दिखाती हूँ आप लोग के साथ। तो गाइस पहले मैं दिखाती हूँ, पहले मैं क्या ली हूँ, एक बेटी के लिए चाह रहा था लोअर, जोर से लोअर चाह रहा था, तो ये है पिंक कलर का लोअर, थोड़ा सा लंबा चौड़ा कॉटन में ली हूँ, क्योंकि इसमें विंटर अब ख़त्म हो रहा है तो कॉटन ही चाहिए पहनने के लिए, और विंटर के समय रहता है वुलन वाला तो ठीक चलता है। इसकी प्राइस है 350, बट मुझे ये जब मैं वो वाला ली थी तो वो कोट, जब वो पहला वाला मैं जब अपना कोट ली थी तो वो 40% ऑफ था, और इस समय जब मैं गई तो इस पर 50% का 10% और भी मिल गया मुझे, तो 10% जब मिला तो उसी में ये भी एडजस्ट हो गया तो एक पर तो दो कार्य हो गए कि एक ही में कलर भी चेंज हो गया, जैकेट भी और काम भी हो गया। तो इसमें देखिए, ऐसा कौन नहीं चाहता कि एक ही साथ दो दो काम मेरा हो जाए, तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लोअर काफ़ी अच्छा है और ढीला ढाला ली हूँ थोड़ा सा, ये देखिए तो ये पिंक कलर का, इसका प्राइस मैंने आपको दिखाई दिया, तो ये है। और दूसरा जो मेरा है कोट, मैं उसे दिखाती हूँ, और इसका मैं दिखा रही हूँ, ये है तो वो वाला थोड़ा सा ग्रे कलर था, ये है स्काई ब्लू जो होता है आसमान टाइप में, वो चीज़ें हैं। तो इसमें ये, और ये लॉन्ग भी है और वो थोड़ा शॉर्ट में था ये, और इसकी भी प्राइस सेम टू सेम वही प्राइस है, प्राइस वही है, दिखा दे रही हूँ कैसे दिख रहा है, ऐसे पता चलेगा, समझ में आएगा, 1399 इतना था। और तब मैं जब मैं वो वाला जो ली थी वो भी सेम इसी प्राइस का था, बट इसका क्या था कि वो था 40% ऑफ में मैं ली थी, तो नहीं जच रहा था वो चीज़ें, तो इसलिए मैं छोड़ दी। और ये जब ली हूँ तो ये 50% 10% और मुझे एक्स्ट्रा मिल गया, तो क्या बात है तो यहाँ पे एक वही चीज़ हो गई, तो इसी में वो भी एडजस्ट हो गया। तो ये कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके, मेरा कोट कैसा रहा, अभी पहनी नहीं हूँ, जो पहनूंगी तो आप लोग के साथ लुक शेयर करूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, लॉन्ग है पूरा, तो चलिए यही दो चीज़ें थी। तो फायदे वाली बात हो गई ना, पहले 40% बाद में 50%, और उसमें वो भी एडजस्ट हो गया, तो कई चीज़ हो गई। तो चलिए अब इसको मैं इसी में डाल दी, तो गाइस यही था। और तो प्लीज़ अगर अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा कोट। तो गाइस मैंने फाइनली उसको कर लिया, और जो ब्लैक वाला स्वेटर की बात करें, स्वेटर था वो भी ये है जो मैं पहनी हूँ इसके नीचे, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा ठंडक है
और ठंडक के कारण मुझे ये पहनना ही था। बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ी है, पैर तो ऐसे कर रहे हैं, लग रहे हैं कि बर्फ की तरह पानी पानी हो गए हो। तो अभी जस्ट मैं किचन में, शाम हो गई है, इसमें बजे 4 और पब्लिक की स्टार्टिंग हो गई है सरकार की, इसलिए मैं ये भी कर रही हूँ, बात भी कर रही हूँ, क्योंकि बैक कर। तो यही सत्ता, तो सोचिए मैं एक ही प्राइस में, एक ही बार के पैसे में, एक ही प्राइस में मैंने दो चीज़ें ली एक ही प्राइस में। तो फर्स्ट और न्यू हो गए दोनों। तो यही चीज़ें थी, और एक ही चीज़ में दो बार का डिस्काउंट का फ़ायदा उठाई हूँ मैं। पहले 40% का डिस्काउंट का फ़ायदा उठाई हूँ, दूसरी बार 50% का डिस्काउंट, एक ही कपड़े, एक ही प्राइस में, एक ही पैसे में जो सिस्टम थे। तो चलिए, अगर थोड़ा भी मेरा वीडियो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस तरीके से मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।